कक्षा 12 विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय का हिंदी अनिवार्य का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। चौथा माधवी सूरदास जी के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सूरदास जी ने ये बताया कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर के मथुरा चले गए थे उस समय गोपियाँ किस तरह से श्री कृष्ण की वीर व्यथा में व्याकुल हो चुकी थी, पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम योग में अपने आप को पूरी तरह से मग्न कर चुकी थी। एक एक दिन की वो प्रतीक्षा करती थी कि श्री कृष्ण कब लौट करके आए। लेकिन थोड़े समय पश्चात जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से अपना एक संदेश गोकुल की गोपियों को पहुंचाया, तब गोकुल की गोपियों को उद्धव की बात कुछ अजीब सी लगी। उन्होंने उद्धव को बार बार श्री कृष्ण की वीर व्यथा का बखान किया। अब उससे आगे क्या हुआ वो हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि अखियां आर्य दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राशि ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एतत नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन उठो अति अकुलानी दुखी, बारक वह फेरी मुख दिखाओ दूर पयत पियत पाखुखी, सुर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। जब उद्धव ने अपना योग संदेश श्री कृष्ण का संदेश आकर के गोपियों को सुनाया तब गोपियों ने उद्धव को पूरी तरह से परेशान कर लिया। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो, हमारी अखियां यानी कि हमारी आंखें पूरी तरह से श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, अर्थात हमारी आंखें हमारे नेत्र हमारे नयन श्री कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छुक हैं, हमारी और कोई लालसा नहीं है, हम केवल श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम केवल श्री कृष्ण के सानिध्य को पाना चाहती हैं, हम श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, इसलिए हमारे जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन को पूरी तरह से व्याकुल हो चुके हैं। कैसे रहे रूप रस राशि ये बतिया सुनी रुखी, आप हमें जो योग साधना का उपदेश दे रहे हो इस योग साधना के उपदेश को सुनकर हमारा मन और अत्यधिक व्याकुल हो चुका है, हमारा मन और अत्यधिक रूखा हो चुका है, यानी कि बार बार हमें श्री कृष्ण की याद सताने लगी है, बार बार श्री कृष्ण की वीर व्यथा हमारे पास आने लगी है, हमें परेशान करने लगी है, इसलिए आप हमें योग साधना का उपदेश बार बार मत सुनाओ, क्योंकि आपका जो ये योग साधना का उपदेश है इसे सुनकर के श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हमें और जागृत हो गई है, बार बार हमारा मन श्री कृष्ण से मिलना चाहता है। फिर है अवधि ग्रंथ तक मत जोवत तब एतत नहीं झूठी, इसमें गोपियां ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण की वीर व्यथा में उनकी प्रतीक्षा करते करते हमने एक एक पल एक एक क्षण बड़ी ही मुश्किल से बिताया है, उन एक एक पलों को बिता करके हमारी आंखें पूरी तरह से रूखी हो चुकी हैं, उनकी अवधि गिनते गिनते हमारा मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, उनकी अवधि की गणना करते करते हमारी जो वीर व्यथा है यानी कि हमारा जो मन है उनकी वीर व्यथा के कारण हमारा मन इतना व्याकुल हो चुका है कि अब हम कुछ भी सहन करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि श्री कृष्ण से गोपियां इतना अत्यधिक प्रेम करती थी कि वो हर कीमत पर हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती थी, श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। अब इन योग संदेश में दो अकुलानी दुखी, अब आपका योग संदेश हमें बहुत व्याकुल कर रहा है, इसलिए आप हमें ये योग साधना का उपदेश मत सुनाइए, आप इस योग साधना के उपदेश को किसी ऐसे इंसान को लाकर के सुनाइए जिनका मन भटका हो, जबकि हमारा मन भटका हुआ नहीं है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है, हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मग्न हो चुकी हैं, इसलिए आपका जो ये योग संदेश है ये हमारे मन को दुखी कर रहा है, हमें व्याकुल कर रहा है। बारक में फेरी मुख दिखाओ दूही बयती पाप दुखी, इसमें गोपियों ने छोटे बच्चे का उदाहरण देते हुए कहा है, एक छोटे दूध बूढ़े बच्चे का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक दूध बूढ़े बच्चे के सामने दूध का प्याला दिखाकर उसे वहां से हटा दिया जाए, आप तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं,
यानी कि कोई छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, इसके सामने एक दूध का प्याला रख दिया जाए, उसे दूध के लिए ललायत किया जाए और अचानक उसके सामने से उस दूध के प्याले को हटा दिया जाए, उस समय उस छोटे बच्चे की क्या स्थिति होगी। वैसी ही स्थिति गोपियों ने अपनी बताई है कि जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के सामने दूध का प्याला हटा देने से उसकी जिस तरह की मन स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति इस समय हमारी हो रही है। वैसी स्थिति में इस समय हम हैं, इसलिए हमें योग साधना का उपदेश मत दो। इसलिए आप हमें इस तरह के योग संदेश मत सुनाइए, हमें इस तरह के योग संदेश की जानकारी मत दीजिए, क्योंकि हमारा जो मन है वह पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है, हम पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो चुकी हैं। सुर सीकर हटी नाव सुनायो ये सरिता है सुखी। जिस प्रकार से एक सूखी नदी के अंदर, यानी कि जहाँ केवल रेत ही रेत है, ऐसी जगह पर जिस तरह से हम नाव नहीं चला सकते, उसी प्रकार से आपका योग संदेश हमारे ऊपर हावी होने वाला नहीं है। आपका जो योग संदेश है वो हमारे मन को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मन तो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है, हम पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुके हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो चुके हैं। इसलिए अब हम ये योग साधना का उपदेश नहीं सुनना चाहते, आप ये योग साधना का उपदेश हमें मत दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि गोपियों ने बार बार उद्धव को समझाया कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने के बाद हम अब तक और कुछ नहीं कर सकते, हमारा सारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है, हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में अब सोच ही नहीं सकती। इस तरह से उन्होंने उद्धव को अपनी बातों के द्वारा पूरी तरह से परेशान कर दिया। अब आगे देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोहे दूसरी सांस में हंसी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कैसो वरण देश है कैसो कही रस में अभिलाषी, पावे को पुनी कियो आपनो जोरे कहे को गासी, सुनत मोन है रेहो ठगियो जो सुर सबे मति नासी। इसमें भी गोपियों ने उद्धव को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, पूरी तरह से उद्धव के ऊपर हावी होने का प्रयास किया। गोपियों ने बार बार तरह तरह के प्रश्न उद्धव के सामने किए, लेकिन जब उद्धव पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, उसके बाद गोपियों ने अपनी बात को कहने का एक अलग ही आशय निकाल दिया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियों ने उद्धव से कहा कि जो आप हमारे लिए योग साधना का उपदेश लेके आए हैं, जो आप हमें योग साधना का उपदेश दे रहे हैं, वास्तविक तौर पर जिस निर्गुण की आप बात कर रहे हैं, जिस श्री कृष्ण की आप बात कर रहे हैं, वो कौन से देश का वासी है। जो योग संदेश आप हमें दे रहे हैं, वो योग संदेश देने वाले श्री कृष्ण कौन से देश के वासी हैं, आप हमें स्पष्ट तौर पर बताइए कि जो आप हमें उपदेश दे रहे हैं, जिस निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं, वो निर्गुण ब्रह्मा कौन है, किस देश का वासी है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। मधुकर हंसी समझाए सोहृदय भूषती सांस ने हंसी। अब गोपियों ने कहा कि हम वास्तविक तौर पर पूछ रही हैं, आप हम आपकी हंसी नहीं ले रही हैं, हम कोई आपका मजाक नहीं बना रही हैं, हम वास्तविक तौर पर आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जिस निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हो, ये निर्गुण ब्रह्मा कौन है, किस देश का वासी है। हम कोई मजाक की बात नहीं कर रही हैं, हम वास्तविक तौर पर आपसे पूछ रही हैं, हम कोई हंसी नहीं ले रही हैं, हम वास्तविक तौर से आपसे पूछना चाहती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा कौन से देश के वासी हैं। को है जनक, यानी कि जिस निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं, कि योग संदेश हमारे लिए आप लेकर के आए हैं, उनके माता कौन है, जनक यानी पिता, उनके पिता कौन है, जनक यानी पिता, उनके पिता कौन है, जननी को कहियत उनकी माता कौन है, ये हमें बताइए। इस निर्गुण से साधना की आप बात कर रहे हो, इस निर्गुण ब्रह्मा के पिता कौन है, माता कौन है, कौन नारी को दासी, वह किस का दास, उसकी दासी कौन है, अर्थात श्री कृष्ण की दासी कौन है, जिस निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हो तो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन है, उनकी दासी कौन है, उनकी पत्नी कौन है, कैसो वर्ण भेष है, यानी कि उनका रंग रूप कैसा है, कैसे वस्त्रों को वह धारण करते हैं, कैसो कही रस्म अभिलाषी,
वह किस रस के अभिलाषी है, यानी कि उनका मन किस रस में समाया हुआ है, किस रस में डूबा हुआ है, यह बात आप हमें स्पष्ट तौर पर बताइए। यदि आप हमें इन सब के स्पष्ट उत्तर दे देते हैं तो हम निश्चित तौर पर यह मान लेंगे कि आप जो योग साधना का उपदेश हमें दे रहे हैं वो वाकई निर्गुण ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है। पावे वो पुदी की वो आप जोरे कहे वो राशि। अब गोपी ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, यदि आप इन प्रश्नों के गलत उत्तर देते हो, यदि आप हमें इनका गलत उत्तर बताते हो, तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्मों का फल भोगोगे, आपको हर तरह के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए आप यह देख लीजिए कि जो भी आप कहोगे वो पूर्णतया सत्य कहिएगा, अन्यथा आपको इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सुनत मोहन है गोपियों के वचन को सुनकर उद्धव पूर्णतया ठगासा रह गया। उद्धव का मन पूरी तरह से ठगासा रह गया, उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि गोपियां ये उससे किस तरह के प्रश्न पूछ रही हैं, किस तरह की जानकारी लेना चाहती हैं, जिनका कोई भी रंग रूप नहीं है, जिनका कोई रंग रूप नहीं है अर्थात जो निराकार है, जिनका कोई माता पिता का पता नहीं है, ऐसे निर्गुण ब्रह्मा श्री कृष्ण के बारे में ये गोपियां मुझसे कैसे प्रश्न पूछ रही हैं, ये गोपियां मुझसे किस तरह की जानकारी चाहती हैं, ऐसे वचनों को सुनकर उद्धव पूरी तरह से ठगा रह गया, परेशान हो गया। आगे देखिए, बिनु गोपाल बेरुण भई पूंजे, तब ये रता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, वृथा बहती जमनाखर बोलत, वृथा कमल फूले अली पूंजे, पवन पार घनसार संजीवनी, किरण भानु भई मुझे, एक उतो कहियो माधव सो विजय कर करी मारित मुझे, सूरदास प्रभु को मग जोबत है, अखियां भई बनी जीवन मुझे। इस पद में गोपियां अपना आशय बताते हुए कह रही हैं कि बिनु गोपाल, यानी गोपाल बोलते हैं श्री कृष्ण को, गोपियां उनको से कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना ये कुंज हमारे लिए बैरी हो गए हैं, हमारे दुश्मन हो गए, यानी कि श्री कृष्ण जब हमारे साथ नहीं है तो श्री कृष्ण के अभाव में ये कुंज हमारे लिए पूरी तरह से शत्रु हो गए हैं, हमारे शत्रु बन गए हैं। फिर है तब ये लता लगती अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पूंजी, जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे, यानी कि जब श्री कृष्ण का सानिध्य उन्हें मिल रहा था, उस समय ये लताएं, यानी कि जिस उपवन में श्री कृष्ण के साथ गोपियां रासलीला किया करती थी, उनके साथ अपना समय व्यतीत किया करती थी, वहां की लताएं उन्हें अत्यधिक शीतल लगती थी, अत्यधिक मधुर लगती थी, उनका जो मन था वो पूरी तरह से उपवन में उस बगीचे में लग चुका था, क्योंकि वहां बैठ करके वो श्री कृष्ण की मधुर वाणी में उनकी मुरली की आवाज को सुना करती थी, तो वो हमें शीतल लगती थी, लेकिन वही अब हमें तेज ज्वाला के समान लगने लगी है, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम योग में तड़पने के पश्चात अब उन्हें वही लताएं अत्यधिक ज्वाला के समान लग रही हैं, अत्यधिक पीड़ादायक लग रही है, अत्यधिक कष्ट पहुंचाने वाली लग रही है। फिर है वृथा बहती जमुना, श्री कृष्ण के अभाव में यमुना का बहना भी हमें अब व्यर्थ लगता है, यानी कि यमुना का बहना भी अब हमें अच्छा नहीं लगता है, यमुना का बहना सब कुछ व्यर्थ हो चुका है, यानी कि जब तक श्री कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे तब तक हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे, ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अभाव में खग बोलत यानी पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और कमल के फूल पर भौरों का गुंजर करना हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमारे मन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण की विरह व्यथा में पूरी तरह से गोपियां परेशान हो चुकी थी, उन्होंने उद्धव को अपनी बात कही। पवन पार घनसार संजीवनी किरण भानु भई मुझे, अब गोपियां कह रही हैं कि ठंडी हवा का चलना भी अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पवन पार घनसार यानी ठंडी हवा का चलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सूरज चंद्रमा से निकलने वाली किरणें भी जो संजीवनी बूटी के समान अमृत के समान हमारा मन तृप्त करती थी, वह भी अब हमें सूर्य की तेज किरणों के समान लगने लगा है, सूरज की तेज किरणों के समान हमारे मन को व्यथित करने लगा है, पूरी तरह से हमारा मन अब सूरज की तेज किरणों के कारण जलने लगा है। ए उद्धव कहियो माधव सो विनय करत करी मारत मुझे, इसमें गोपियां कहती है कि हे उद्धव,
आप श्री कृष्ण के पास जाकर कि हमारा ये संदेश दीजिए कि श्री कृष्ण की विरह व्यथा में, श्री कृष्ण के ना आने पर उनकी विरह व्यथा के कारण जो विरह व्यथा रूपी कटार है वो हमारे मन को काट रही है, हमारे मन के टुकड़े टुकड़े कर रही है। इसलिए हमारा ये संदेश श्री कृष्ण तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि उनकी विरह व्यथा के कारण हमारा मन पूरी तरह से भटक चुका है, उनके वियोग में प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं, इसलिए अब उनको यहाँ अतिशीघ्र लौट करके आ जाना चाहिए। सूरदास प्रभु को मत जरूरत है अखियां भी बलन जो मुझे, इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण को ये कहना कि उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारा मन पूरी तरह से व्यथित हो चुका है, हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें लाल हो चुकी हैं, अब उसी विरह व्यथा के कारण हमें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ सकता है, हो सकता है हम अपने प्राणों का त्याग कर दें, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं, हमारी आंखों में किसी तरह का प्रेम अब नहीं रहा है, केवल श्री कृष्ण की भी हमें लालसा है कि श्री कृष्ण कब लौट करके आए और हमें फिर से उनका सानिध्य प्राप्त हो। ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम सूरदास जी के टॉपिक में प्रश्न उत्तर की तरफ। सबसे पहला जैसे प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति मानी जाती है, यानी कि सूरदास की भक्ति को किस तरह का माना जाता है। जैसा कि हमने शुरू के अध्याय में जब शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम योग के बारे में बताया था, उद्धव के द्वारा भेजे गए संदेश के बारे में जब बताया था, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सूरदास ने अपनी जो रचनाएं लिखी है वो किस भाषा की मानी जाती है। तो सूरदास की जो भक्ति है, सूरदास जी की जो भक्ति धारा है, उसे साख्य भाव का माना जाता है। साख्य भाव यानी कि सखा भाव, यानी कि सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें सखा भाव की तरह से रचनाएं लिखी गई है। तो सूरदास की भक्ति साख्य भाव या सखा भाव की मानी जाती है। उसके बाद है सूरदास ने आप उनको किसकी भक्ति बताया है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ाया था कि सूरदास जी ने अपने पूरे टॉपिक के अंदर एक ही बात कही है कि गोपियां हर समय श्री कृष्ण की विरह व्यथा में व्याकुल रहती हैं, श्री कृष्ण के इंतजार में व्याकुल रहती हैं, तो उनकी आंखें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। तो सूरदास जी के अनुसार मनुष्य की आंखों को ईश्वर या हरि दर्शन की भूखी बताया गया है, यानी कि ईश्वर के दर्शनों की प्राप्ति करना मनुष्य की आंखों का सबसे बड़ा सपना है। फिर है उद्धव ने गोपियों से कौन से प्रश्न किए कि वह ठगासा रह गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गोपियों ने उद्धव से तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, जिनको सुनकर के उद्धव पूरी तरह से परेशान हो गया। तो जब उद्धव गोपियों को अपना योग संदेश सुना रहे थे, उस समय गोपियों ने उनसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि जिस निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं, उन वह निर्गुण ब्रह्मा कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है, वह किस देश के वासी हैं, उनके माता पिता कौन हैं, उनकी दासी कौन है, उनकी पत्नी कौन है, वह किस रस के अभिलाषी हैं। इस तरह से तरह तरह के प्रश्नों से गोपियों ने उद्धव को परेशान कर दिया, जिससे उद्धव पूरी तरह से ठगासा रह गया, पूरी तरह से परेशान सा हो गया। फिर है हारिल पक्षी की क्या विशेषता है। हारिल पक्षी, इसके बारे में आपको मैंने जब सूरदास जी का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय आपको बताया था कि हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो हर समय अपने पैरों में लकड़ी को जकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। अब मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि कोई भी पक्षी जब किसी वृक्ष पर, किसी पेड़ पर बैठता है, निश्चित तौर पर वो डाली को अपने पैरों में पकड़ लेता है, लेकिन हारिल पक्षी की विशेषता है कि हारिल पक्षी चाहे वृक्ष पर बैठा हो या आकाश में उड़ रहा हो, उस समय भी वह अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रखता है, क्योंकि उसे मन में ये भय रहता है कि मैं गिर जाऊंगा। इस कारण से वो बैठते उठते उड़ते समय भी अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रखता है। तो हरिल पक्षी की विशेषता है कि वह हमेशा अपने पैरों के अंदर लकड़ी को जकड़े रखता है, पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं है।
गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है? जब उद्धव ने अपना योग संदेश गोपियों को आकर के सुनाया कि श्री कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे, आप श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण अपने जिस कार्य से अवतरित हुए हैं वह उस कार्य में लग चुके हैं। तो जब गोपियों को यह संदेश उद्धव ने आकर के सुनाया तो गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगने लग गया। गोपियों ने यह कहा कि आप जो योग संदेश हमें सुना रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी बीमारी के बारे में आप हमें बता रहे हैं जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, जिस बीमारी के बारे में आज तक किसी ने सुना ही नहीं है, ऐसी बीमारी की आप बात कर रहे हैं, तो हमें आपका योग संदेश ऐसा लग रहा है मानो हमने कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो, यानी कि मुंह में कड़वी चीज खाली हो, ऐसा आपका हमें योग संदेश लग रहा है। फिर है, मानहु नीर भाटते काले ले जमुना जो पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, मानहु नीर भाटते काले ले जमुना जो पखारे, यानी कि किसी नील के मटके से निकालकर उसे यमुना के जल में प्रक्षालित किया गया हो, यमुना के जल में नहलाया गया हो। इस वाक्य के अंदर यह है कि जहां उपमान पर उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए, ऐसे वाक्य जिस वाक्य के अंदर कोई संभावना प्रकट हो रही हो, ऐसे वाक्यों में हमेशा कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमान पर उपमेय का आरोप लगाया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त करने वाले शब्दों में हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस वाक्य के अंदर ये देखिए कि मानो नीले मटके से निकालकर और यमुना की जल में नहलाया गया हो, तो केवल एक संभावना मात्र है, एक संभावना प्रकट की गई है कि हो सकता है नील के मटके से निकालकर यमुना की जल में नहलाया गया हो, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। परिभाषा के रूप में ये आएगा कि जहां उपमान पर उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है।